हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मंजू और आप देख रहे हैं मंजू की बगिया। फ्रेंड्स, आज की वीडियो हमारी अडेनियम पे है और मैंने अपने गार्डन में कुछ अडेनियम लगाए हुए हैं। सभी की बहुत अच्छी ग्रोथ चल रही है। 5-7 पॉट लगे हुए हैं और समय से इनकी क्या फ्लावरिंग होती है ये भी मैंने कई वीडियो में आप लोगों से शेयर किया हुआ है। अगर आप देखना चाहते हैं तो पुरानी वीडियो में देख सकते हैं। ये फरवरी का मंथ है और फरवरी में आपने अगर अडेनियम लगाए हुए हैं तो उनको क्या करना होगा, यही हमारी आज की इस वीडियो में है। तो आप हमारी वीडियो पर बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। पसंद आने पे लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा ताकि हमारी आने वाली नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। आज मैं अपने अडेनियम पे वर्क कर रही थी, वो क्या है वही मैं इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ। तो अभी जैसा कि आप सभी को पता है, फरवरी का मंथ है और फरवरी में अडेनियम में अगर कुछ वर्क करते हैं तो आने वाले सीज़न में बहुत अच्छी इनकी ग्रोथ होती है और भर भर के फूल आते हैं, गुच्छों में आते हैं फूल, बड़े पेटल के आते हैं, जिससे कि गार्डन में एक नया ही लुक नज़र आता है। तो क्या है इस फरवरी में अडेनियम के लिए, यही मैं बताने वाली हूँ। कुछ हमारे ऐसे भाई बहन होते हैं जिनका हमेशा एक ही क्वेश्चन होता है कि अडेनियम में फरवरी में क्या करें जिससे कि वो हमारे अडेनियम बने रहूँ और उनमें अच्छी फ्लावरिंग होती रहे। ज़्यादातर लोगों का क्वेश्चन होता है कि अडेनियम को प्रूनिंग पहले करना है या रिपोर्टिंग पहले करना है। तो मैं बता दूं, अडेनियम को प्रूनिंग पहले करना है, क्योंकि प्रूनिंग और रिपोर्टिंग एक साथ नहीं करते हैं, नहीं तो प्लांट शॉक में जा सकता है और उसमें फंगस भी लग सकता है, क्योंकि ये बहुत ही रेयर प्लांट है, इसे बचा पाना बहुत ही मुश्किल। वैसे तो इसकी कोई ख़ास केयर नहीं करनी पड़ती है, लेकिन इसको देखभाल करने के लिए और इसके ऊपर थोड़ी सी जानकारी रखने के लिए ये सब बहुत ज़रूरी है जान लेना कि रिपोर्टिंग पहले करना है या प्रूनिंग पहले करना है, इसे धूप में रखना है या शेड में रखना है, इसकी मिट्टी कैसे बनाना है कैसे नहीं बनाना, ये सब अगर आप जान जाते हैं तो अडेनियम को आप अपने गार्डन बहुत ही ईजिली रख सकते हैं। फ़िलहाल मेरा गार्डन काफ़ी बड़ा है इसलिए से मैं अडेनियम ज़्यादा नहीं रख पा रही हूँ और जगह ना होने की वजह से, इसलिए से मैंने इसके 7-8 पॉट ही बनाए हैं, यानी 10 पॉट बनाए होंगे शायद, और कुछ अभी एक दो यहाँ वहाँ भी रखे हैं, बाकी यहाँ पर रखे हुए हैं। और आज मैं अपने अडेनियम को प्रून करने वाली हूँ। तो जो भी मेरे भाई बहन हैं वो इस समय फरवरी में या फरवरी लास्ट में, जैसा भी उनके यहाँ का टेम्परेचर है, हमारे यहाँ इस समय काफ़ी धूप हो रही है, मौसम काफ़ी गर्म है और हवाएं तो चल रही हैं, लेकिन ये है कि धूप तेज़ हो रही है और जिससे कि पॉट की मिट्टी भी सूख जा रही है और सारे प्लांट्स के जो भी पत्ते वगैरह हैं सब सूख कर झड़ रहे हैं और पानी बहुत जल्दी सूख जा रहा है। तो फरवरी में अगर डे बाय डे आप अपने गार्डन में काम करते रहते हैं तो एक दिन अडेनियम का भी आता है। तो इस समय मैं अडेनियम ही अपना केयर कर रही हूं और आज मैं इसकी प्रूनिंग करने वाली हूं। किस तरह से इसकी प्रूनिंग करनी है यही हमारी आज की इस वीडियो में है। तो जिसके भी ये क्वेश्चन रहते हैं कि इसे प्रूनिंग पहले करना है या रिपोर्टिंग पहले करना, तो मैं बता दूँ इसकी प्रूनिंग पहले करनी है। प्रूनिंग करने के बाद एक हफ्ता या 15 दिन बाद ही आप प्लांट को रिपोर्ट करें, उससे पहले आप रिपोर्ट ना करें, क्योंकि प्रूनिंग और रिपोर्टिंग एक साथ अच्छा नहीं है। प्लांट जैसा कि मैंने बताया शॉक में जा सकता है, तो इसलिए से आज मैं इसे प्रून ही करने वाली हूँ और प्रून करके और मैं इसे आज छोड़ दूँगी। ये फरवरी मंथ चल रहा है, मार्च स्टार्ट में मैं इसको रिपोर्ट करूँगी। उस समय अगर आप मेरे अडेनियम देखेंगे तो इनमें नई ग्रोथ शुरू हो चुकी होगी और इसमें ब्रांचेस आना शुरू हो गई होंगी। तो चलिए आगे क्या करना है वो मैं आगे वीडियो में आप लोगों से शेयर करूंगी, अभी इनको क्या करना है वो मैं इस वीडियो में शेयर कर रही हूं। तो इस प्लांट को जैसा कि आप देख रहे हैं पानी बहुत कम देना है, मिट्टी एकदम ड्राई हो चुकी है, फिर भी ये प्लांट हमारे अच्छी ग्रोथ पर बने हुए हैं, क्योंकि एक सर्कुलर वैरायटी प्लांट है। इसे पानी आप ज़्यादा ना दें, छाया में ना रखें, गहरे पॉट में ना लगाएं और समय से इसकी प्रूनिंग करें, इसे इसके हाल पे ऐसे ही नहीं छोड़ना है। तो चलिए इसको प्रून करते हैं। प्रून करने के बाद जो भी इसकी ब्रांचेस हैं इन्हें हम काटेंगे और काटने के बाद मैंने लिया हुआ है फंगीसाइड पाउडर और उस कटे हुए भाग पे फंगीसाइड पाउडर लगाएंगे ताकि इसमें किसी भी तरह के फंगस वगैरह ना लगें और प्लांट हमारा सेफ़ और सुरक्षित बना हो। जब भी आप प्लांट को काटते हैं यानी प्रून करते हैं तो शार्प ब्लेड का आप ही इस्तेमाल करें, ब्लेड सबसे अच्छा होता है। कटर वगैरह अगर आप लेते हैं तो उसको स्टरलाइज़ करना पड़ेगा और फिर उसको
एक ही कटर से सबको काटना पड़ेगा, इसलिए से ब्लेड रहेगा। तो अगर आपके पास कुछ ज़्यादा प्लांट हैं तो आप ब्लेड चेंज भी कर सकते हैं, तो इसलिए से ब्लेड लेना ही अच्छा होगा। मैंने अगर देखिए तो यहाँ पर ब्लेड से ही अपने इन सभी एडेनियम के ब्रांचेस को प्रून किया हुआ है और इस पर फंगीसाइड पाउडर मैंने लगाया हुआ है कुछ इस तरह से। तो पहले आप इसे प्रून करें, प्रून करके और कटे हुए भाग पर फंगीसाइड पाउडर ज़रूर लगा दें, जिससे कि प्लांट सेफ रहे और आने वाले समय में उनमें फ्लावरिंग होती रहे। अभी इसको पानी वगैरह कुछ नहीं देना है, इसी तरह से ये गार्डन में रखे होंगे। और पानी इनको तभी देना है जिस जैसे आप देते हैं, और हफ्ते 15 दिन बाद ही हम इनकी रिपोर्टिंग करेंगे और किन चीज़ों को लेकर के रिपोर्टिंग करेंगे ये भी मैं वीडियो के थ्रू आप लोगों से ज़रूर शेयर करूंगी। तो प्रूनिंग करना इस समय बहुत ही ज़रूरी है, तभी प्लांट आपके अच्छी ग्रोथ पे बने होंगे। और मैंने प्रून किए हुए भाग को रखा हुआ है शेड में, जब वो उसका कटा हुआ भाग सूख जाएगा तो मैं उसकी कटिंग लगा दूंगी, जिससे कि और भी प्लांट हमारे गार्डन में तैयार हो जाएंगे। तो इस तरह से आप एडेनियम को प्रून करें और प्रून करने के बाद में उसे अपने गार्डन में रखें, जब इनकी ग्रोथ होगी उस समय आप इसे रिपोर्ट ज़रूर कर सकते हैं। यही सब थी हमारी इस वीडियो में, और वीडियो का एंड करते हुए मैं फिर मिलूंगी किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।